वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 इंग्लिश में वर्ड एक्सप्रेशंस यूनिट 10 का अध्ययन। हाँ, यूनिट 10 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, का अर्थ होता है समझ बूझ कर पढ़ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सी वर्कबुक पेज नंबर 141। वर्कबुक पेज नंबर आप 141 निकालेंगे, क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 है, टूरिज्म इज अबाउट टेकिंग अ टूर, इसका अर्थ होता है पर्यटन एक यात्रा लेने के बारे में है। तो ये आएगा इसमें टू अ प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेसेस, मतलब लंबी पैदल यात्रा, फॉर विजिटिंग अ प्लेस टू साइट सीइंग, एक जगह पर जाने के लिए। ये सारी चीजें क्या होती है, पर्यटन में शामिल होती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव उत्तर होगा। अब सेकंड शुरू करते हैं, बाय हाइकिंग इन वाइल्डनेस इन द ऑथर नेम, जंगल में लंबी पैदल यात्रा के लिए क्या है और इसका मतलब क्या होता है। अलोंग डिस्टेंस वॉक इन वुडेंट एरियाज, वॉक इन द फॉरेस्ट एरियाज, मेथड इन अनहैबिटेड एरियाज और स्प्रेडिंग इन एंड अबाउट ए अनहैबिटेड एरियाज, तो डी उत्तर सही। थर्ड है, अ क्रूज शिप इज, यानी एक शिप का नाम है क्रूज है, और तो ये क्या है, लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल वो गेस ऑफ प्लीजर, इसका यही सही उत्तर है कि एक बड़ा जहाज जो लोगों को यात्रा का क्या करता, आनंद देता है। ठीक, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट अब आता है, मैच द प्रेसल वर्ब्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी, मतलब जानकारी एक का एक खोजने को की कोशिश की गई है। अब ए और बी करेंगे, ए है लुक फॉर, लुक फॉर का उत्तर क्या होगा ये देखते हैं। ए का फोर्थ सही है, तो लुक फॉर मतलब ढूंढना है, तो ढूंढने को क्या कहते हैं हम, सर्च करना कहते हैं ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए का सही उत्तर होगा फोर, सर्च, ये ओके। अब सेकंड है लुक अप टू, लुक अप टू मतलब झांकना, उसका उत्तर जो है सेकेंड का, बी का उत्तर जो है वो थर्ड सही है। एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, हैविंग अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ए पर्सन, लुक अप टू देखना, तो थर्ड उत्तर होगा उसका, ये बी आएगा। नेक्स्ट लुक फॉरवर्ड टू मतलब कि राह देखूंगा, तो इसका सही उत्तर आआएगा सेकेंड, बेसब्री से इंतजार, अवेट ईगरली, सी होगा। देन बी है लुक अप, लुक अप मतलब देखो, तो जो उसमें शेष है वो उसका सही उत्तर, टू ट्राई टू फाइंड द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब कैरी सेकंड है, ये हो गया सेकंड, री राइट द फॉलोइंग वर्ड्स टू रिमूविंग द सफिक्स एज, सफिक्स का अर्थ होता है पहले लिए, हाँ सफिक्स का अर्थ होता है यानी प्रत्यय होता है, अंत में लास्ट में जो है शब्द उसको कहते हैं। ठीक, तो रिमूविंग का मतलब होता है उसको हटाना, आपको ये इसके अर्थ भी मालूम होने चाहिए तब आप उसको कर सकते हैं ना, ये हटाना है आपको, तो लिखा एज, एजीई, तो यहां से एज हटाना है ना, एज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली कह दिया जाएगा। बस
अब दिया है कैरिज, कैरिज में एजी भी है, इस एजी को क्या करना, रिमूव करना, तो जो शब्द नया बनेगा वो बनेगा सी ए आर आर वाई, ठीक, एज रिमूव हो जाएगा। फिर है कवरेज, कवरेज में एजी ई, इसको अलग करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो आएगा सी ओ वी ई आर, कवर। फिर है टर्मिनेटेज, तो एजी ई फिर से प्रत्यय हटाना है तो आ जाएगा इसमें हर्मिट, एच ई आर एम आई टी। नेक्स्ट डी एम मैरिज, मैरिज में एजी ई है, इसे जी को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा एम ए डबल आर वाई मैन। इस तरह जितने भी प्रत्यय लगे थे वो सारे क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, यानी हटाए गए शब्दों में से। नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स, सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय, आपको अभी बताया मैंने। S U double I S, प्रत्यय जो अंत में जोड़ते हैं एंड में, तो इसमें क्या लिखा है एडिंग, एडिंग करना मतलब जोड़ना, ठीक। तो फुल सफिक्स दिया है F U L, फुल को इन शब्दों में ऐड करना है। पहला शब्द है आपका ब्यूटी, ए B-E-E-U-T-Y। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, फुल ऐड करेंगे, हाँ क्या बनेगा B-E-A-U-T-I-F-U-L, ब्यूटीफुल, यानी सुंदर। B आएगा C-O-L-O-U-R, क्या आएगा कलर, आ जाएगा C-O-L-O-U-R F U L कलर फुलिया रंगीला। C D U T Y ड्यूटी, तो क्या आ जाएगा ड्यूटी फुल, D U T I F U L यानी कर्तव्य परायणता। नेक्स्ट D D आएगा रिवेंज, R E V E N G E, क्या आएगा रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला, रिवेंज बोला जाएगा इसका R E V E N G E, हो जाएगा R E V E N G E F U L G E, E H E L P help, तो क्या जाएगा helpful, हाँ। फिर है इसी प्रकार M O U T H mouth, तो mouth का क्या जाएगा mouthful, और M E R mercyful, last का G है M E R C Y, तो जाएगा M E R C I F U L, mercyful मतलब होता है कृपालु। स्टूडेंट, तो ये आज आपने यूनिट 10 अच्छे से पढ़ी समझी, अपने वर्कबुक में देखा और प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया। आप इसको कॉपी में लिखेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और सही सही स्पेलिंग लिखेंगे। थैंक यू सो मच।